नमस्कार। आज हमारे बीच नरपत सिंह जी राजवी, जो राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और विद्याधर नगर जयपुर से एमएलए हैं। आज हम उनसे उनके 4.5 साल के किए हुए कार्यों के विषय में एवं उनकी पार्टी के विषय में कुछ बातें करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। पहला तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अब तक 4.5 साल में असेंबली आपके क्षेत्र में किए हुए कार्यों से संतुष्ट हैं और क्या आपकी जनता भी आपसे संतुष्ट है? शहरी और देहाती, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंस होता है। जैसे राजस्थान में जयपुर में नगर निगम है तो एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्टिविटी करने वाली एजेंसी जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम, दूसरी एजेंसीज का पैसा इसमें करीब करीब नहीं के बराबर लगता है। रोड्स, ड्रेनेज, सीवर लाइन सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब में बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरे ख्याल से पिछले 20 वर्षों में को सम्मिलित कर लें तब भी इन 5 वर्षों में अधिक काम हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर के नेटवर्क को सुधारने के काम अभी चल रहे हैं, ऑगमेंटेशन कर रहे हैं ताकि बिसलपुर का पानी सब जगह मिल जाए। मूलभूत सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं वो यहाँ के मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित की जा रही हैं, कुछ विकसित हो गई। एक झोटवाड़ा में रेलवे ओवरब्रिज काफी वर्षों की 20-30 वर्षों की डिमांड थी। पहले माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने एक पुलिया बना दिया लेकिन वहाँ पे आवागमन अधिक है इसलिए वो भी एलिवेटेड रोड मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन कर दिया। फाइनल स्टेजेस पे 5 तारीख को मुझे उम्मीद है कि वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और उसके बाद में उसका उद्घाटन आधारशिला रखवा कर काम आरम्भ करवा देंगे। सर, इस बार के चुनाव में जो आने वाले 2018 में आपके असेंबली के चुनाव में, क्या आप वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे? अब ये तो केंद्र को तय करना है, हम तो इसमें तय नहीं करते। अभी तो हमारे नेता वसुंधरा जी हैं और वरिष्ठ हैं, साथी हैं हमारे, 85 से समसाथ काम कर रहे हैं और बाकी नेतृत्व में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव और बाकी जो प्रक्रिया है वो केंद्र जैसे कहेगा वैसे करेंगे। सर, एक सवाल और भी है क्योंकि लास्ट चुनाव में आप लोगों ने भारी बहुमत से भाजपा को राजस्थान में विजय दिलाई थी, क्या आपको लगता है इस बार भी आप उसको रिपीट कर पाएंगे? अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने 180 का टारगेट रखा था, अब वो तो उन्होंने किस सोच कर रखा है। अगर कुछ कमी है तो वो ये है कि कम्युनिकेशन, आपस में सामंजस्य, आपस में संवाद, कार्यकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में नहीं है और बहुत से काम सामूहिक निर्णय के बिना हुए हैं जिसका लाभ पार्टी को मिले न भी मिले। मैंने मेरे क्षेत्र में एक भी कार्य ऐसा नहीं करवाया जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता का योगदान न हो तो मुझे तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन जहां पर ये एब्सेंट है वहां पे उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। सर, चूंकि हम पार्लियामेंट मेंबर के लिए जरा ज्यादा छापते हैं इसलिए हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, मेरे ख्याल से रामचंद्र वोरा जी, चूंकि हम उनका इंटरव्यू कर चुके हैं, क्या आपको लगता है 2019 के चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी? राजस्थान के बारे में यहाँ की जितनी भी, मैंने तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के समय से लगातार पदाधिकारी भी रहा हूँ, चुनाव भी लड़े हैं, किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को छोटे स्तर के निर्णय में विवादित नहीं होना चाहिए, वो अगर विवादित होगा तो उसका असर उनके चुनाव पर पड़ेगा। रामचरण जी कई बार गलतियां करते हैं, उनको बात बीच बीच में समझा भी लेते हैं, बता भी देते हैं,
लेकिन वो क्योंकि उनका वो यहीं के रहने वाले हैं तो उनका भी परिचय सब जगह है, तो कई जगह विवादित होने के कारण परेशानी होती है। लेकिन 2019 का चुनाव नरेंद्र भाई मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा, इसलिए निश्चित तौर पर उनको जी जान से कोशिश करके जिताएंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सांसद के चुनाव में 1,28,000 की लीड हमने दिलाई है, जो भारत में कुछ ही विधानसभाओं में होगी। उतनी लीड मिल पाए उतना थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से जिता लेंगे। सर, ऐसी क्या कमी रह गई जो भाजपा के कार्यकर्ता में भी और भाजपा के नेताओं में भी असंतुष्टि है कि इस चुनाव में वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएंगे जो 2013 असेंबली और 2014 लोकसभा में दिए थे? मैंने आपको कहा ना, सामूहिक निर्णय का अभाव और आपस में कम्युनिकेशन का अभाव। कम्युनिकेशन नहीं होगा यहाँ पे, तो हमेशा माननीय भैरव सिंह जी शेखावत उसी कुर्सी पर बैठते थे, दरवाजा हमेशा खुला रहता था, रात को सोने से पहले तक कोई भी आ गया तो उस कार्यकर्ता से बात किए बिना, उसको नहीं संतुष्ट किए बिना उसको नहीं जाते थे। वो स्थितियां अब क्योंकि वसुधरा जी हैं तो थोड़ी सीमित भी है, लेकिन सबसे मिलने का समय अगर नहीं होगा तो इनपुट आपको नहीं मिलेगा, और सिर्फ अधिकारियों के बल पर अगर आप पूरा प्रांत को चलाना चाहेंगे तो उसका रिजल्ट फिर पार्टी को अच्छा नहीं मिलता, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। सर, एक आखिरी, आप अपने कार्यकर्ता को और अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जयपुर के कार्यकर्ताओं को और खासतौर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कि ईमानदारी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कर्मठता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा अगर ईमानदारी से हमने जनता की सेवा की, तो उसका जनता भी ईमानदारी से वोटों से भरकर झोली भर कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।